बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका था और अब उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हमें करनी है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, यानी ये फिनिश होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। इसमें एक्टिविटी हमें करनी है, तो एक्टिविटी में हमें करना है, एक्टिविटी नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग विद देयर डिवाइस। तो ये जो इधर वर्ड लिखे हैं इनको इधर साइड से मैच करना है, कौन सा किसके साथ में मैच होगा। तो सबसे पहला है रैम। तो रैम हमारा क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। फिर इसके बाद सेकंड है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर पेन ड्राइव है, ये किसके साथ लगती है, यूएसबी पोर्ट में लगती है, तो ये अटैच्ड टू यूएसबी पोर्ट ऑन द कंप्यूटर। फिर इसके बाद सीडी है, सीडी का मतलब होता है फुल फॉर्म इसकी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये साइनी फ्लैट सर्कुलर मेटेलिक डिस्क होती है ये। फिर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसकी कैपेसिटी 200 GB और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 200 GB एंड मोर। तो ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ये है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ असेंशियल। असेंशियल मतलब होता है ज़रूरी, असेंशियल रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक ऑडियो इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है रिकॉर्डिंग और प्लेबैक, यानी चलाने के लिए ऑडियो ऑडियो क्लिप या साउंड चलाने के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, तो बार कोड रीडर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। बार कोड रीडर होता है कि ये कोड को रीड करने के लिए ज़रूरी होता है, इसके लिए अलग से एक डिवाइस होती है जिसको हम बार कोड रीडर बोलते हैं। ये आपने देखा होगा जब हम लाइब्रेरी में से कोई बुक इशू कराते हैं, अगर हम लाइब्रेरी से कोई बुक इशू कराएंगे तो क्या होगा, उस बुक के ऊपर एक एक स्लिप लगी होती है और उसमें लाइनें लाइनें बनी होती हैं। और जैसे ही हम उस लाइन के ऊपर बार कोड रीडर वाली मशीन लेकर के जाते हैं तो वो उसको रीड कर लेता है। तो उसका नाम और कौन सी डेट को ये लास्ट टाइम इशू हुई थी, पूरी डिटेल हमारी कंप्यूटर सिस्टम में आ जाती है। ऐसे अगर हम कहीं से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर भी बार कोड रीडर का यूज़ होता है। वहाँ पर क्या होता है, आइटम के ऊपर ये स्लिप लगी होती है और आइटम की एंट्री ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है। तो जैसे हम बिलिंग कराने जाते हैं तो वो क्या करता है, बार कोड रीडर पर इसको पंच कर देता है बस उस मशीन को, और वो उसको रीड कर लेती है। तो ये बार कोड रीडर वाली बात हो गई। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले चाहिए होगा हमारा माइक्रोफोन, स्पीकर, और यही चीज़ें चाहिए होंगी। डिजिटल कैमरे की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल कैमरा किस लिए होगा, डिजिटल कैमरा सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन वो वापस हमें इसमें लाना पड़ेगा, फाइल को हमें कंप्यूटर में ही लाना पड़ेगा अगर उसको हमें प्लेबैक करना है तो। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं वो देखना है यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो होती है उसमें सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो कीबोर्ड इसमें नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, हार्ड डिस्क मैंने बताया हार्ड डिस्क होगा, माउस नहीं होगा, प्लॉटर नहीं होगा। प्लॉटर और जो ये प्रिंटर है ये तो एक ही कैटेगरी के हैं। प्लॉटर हमारा, हम इसको बोल सकते हैं बड़ा प्रिंटर होता है, इसमें बड़े स्केल पर क्या निकलते हैं, प्रिंट निकलते हैं लार्ज स्केल पर। और प्रिंटर ऑफिस और होम के लिए ही होता है। तो यहाँ पर डीवीडी हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो है ये एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसमें। तो इसमें है जैसे रैम है, रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। फिर रोम है, रीड ओनली मेमोरी होती है। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं इसको। और सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपको खुद से करना है। इसके बाद एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं हम। एक्सरसाइज में है कि राइट टी ब्रैकेट में ट्रू लिखा है और फॉल्स इन द गिवन बॉक्स। तो सबसे पहले है रैम इज़ कॉल्ड वर्किंग मेमोरी, बिल्कुल सही है, ट्रू
इसमें अगर आपने चैप्टर में पढ़ा है इसको, तो एक बार उसको दोबारा से पढ़ें चैप्टर को, तो रैम वाला पार्ट को, तो रैम में आपको मिल जाएगा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और 1 KB इज़ इक्वल टू 1000 MB, ये गलत है। हमेशा जो भी इसमें काउंटिंग होगी, अगर हम मेमोरी की बात करें, तो 1024 में जाएगा ये। अगर हम 1 KB की बात करें, तो 1 KB होता है हमारा 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद रोम इज़ रीड वंस मेमोरी, तो ये इसकी फुल फॉर्म गलत है, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। DVD इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क, बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। फ्लैश फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नॉन एज पेन ड्राइव, बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन ब्लो इन द बॉक्स, नीचे जो ये आपको हिंट्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले चिप्स, इसको हम ब्लैंक मान लेते हैं इसको, चिप्स कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, तो कौन सी होती है, रोम। रोम को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम, तो ये क्या होती है, प्रोग्रामेबल होती है, पहले से एक बार ये प्रोग्राम हो गया, बस हम उसको हम रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर रैम, सेकंड में आएगा रैम, इसको हम ब्लैंक मान के चलते हैं, इज़ यूज फॉर कैलकुलेशंस, तो इसमें रैम आ जाएगा, क्योंकि जितना भी हम काम करते हैं तो उसमें किस वो किस में होता है, रैम पर होता है। स्टार्टिंग में अगर हमने कोई फाइल ओपन करी है, तो वो फाइल किस में सबसे पहले किस में आएगी, रैम पर आएगी, तभी हम काम कर पाते हैं उसमें। फिर थर्ड आएगा ब्लैंक, ये स्पेस है यहाँ पर, डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर लॉन्गर पीरियड, तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, स्टोरेज डिवाइस का, तो यहाँ पर से ये मिल जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे, स्टैंडर्ड CD कैन होल्ड 700 MB ऑफ डेटा, तो 700 MB ये डेटा स्टोर कर सकती है, कौन सी, CD। इसके बाद फिफ्थ नंबर में, 1 GB इज़ 1024 MB, ये बिल्कुल सही है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि हमेशा जो मेमोरी मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, मेज़र की जाएगी, वो किस में करी जाएगी, वो 1024 में जाएगा, चाहे वो GB हो TB हो, तो वो 1024 में ही होगी। फिर इसके बाद रैम इज़ है वॉलेटाइल मेमोरी, ये आप रैम में आपको मिल जाएगा। फिर मेमोरी इज़ सिलिकॉन चिप्स, ये सिलिकॉन की बनी होती है, तो ये आज के लिए हमें जो है इतना ही करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैंने लिखा है ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, जैसे व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइस, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखा रखा है, तो ये वहाँ से सीधा उसका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, ये भी मिल जाएगा आपको। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको नोट कराया ये वहीं से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।